सो गाइस आप भी लेना चाहते हैं इस टाइम पर एक DSLR जैसी कैमरा क्वालिटी वाला स्मार्टफोन, वो भी 10,000 रुपए के अंडर, तो गाइस यहाँ पे आपको 10,000 रुपए के अंडर बहुत सारे स्मार्टफोन मिल जाते हैं, जिनमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, बट वहाँ पे आपको इतनी अच्छी इमेज क्वालिटी नहीं मिलती है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैंने बेस्ट 4 स्मार्टफोन के बारे में बात की है, जो कि इस टाइम के सबसे ज़्यादा पावरफुल स्मार्टफोन है, जिनमें आपको काफ़ी एंट्री लेवल की इमेज क्वालिटी मिल जाती है और इसके साथ ही यहाँ पे आपको मिल जाता है एक अच्छा कैमरा सेटअप और एक अच्छा गेमिंग प्रोसेसर, जिसमें आप काफ़ी अच्छी तरह से गेमिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाती है एक लंबी बैटरी, जिससे आप इस स्मार्टफोन को लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, और एक अच्छी डिस्प्ले। तो गाइस आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से स्मार्टफोन है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 नंबर से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे 1 नंबर तक जाएंगे, जो कि धीरे धीरे कैमरा क्वालिटी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, तो जो कि रैंकिंग वाइज स्मार्टफोन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो 4th नंबर का स्मार्टफोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी F12, और यहाँ पे आपको सैमसंग का को M12 भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस सेम देखने को मिल जाती है। तो अब इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ आपको 90 हर्ट्ज का रेफ्रेश रेट मिल जाता है। तो गाइस डिस्प्ले की क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ हो जाता है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन, तो काफ़ी अच्छी इसमें आपको डिस्प्ले क्वालिटी मिलती है। अब इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है, जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो, और इसके फ्रंट में ही आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा मिल जाता है। तो इसके बैक और फ्रंट कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पे, तो इमेज क्वालिटी यहाँ पे आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिल जाती है। तो अब इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ आपको 15W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको एक लंबी बैटरी मिल जाती है, जिससे आप इस स्मार्टफोन को लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो भी इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको सैमसंग का खुद का प्रोसेसर मिलता है, जो कि Exynos 850 प्रोसेसर है। यहाँ पे आपको काफ़ी एंट्री लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएगा, काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको ये स्मार्टफोन दे देगा। डुअल सिम स्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है, और ये स्मार्टफोन Android V11 पर रन करता है। तो भी इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको साइड फिंगरप्रिंट मिल जाता है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है, 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है। तो अब इसके रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 4GB रैम, 64GB का स्टोरेज मिल जाता है, जिसकी प्राइस आपको 11,000 रुपये मिल जाती है। तो अगर आप इसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ये आपको 10,000 रुपये के अंदर मिल जाता है। तो आप लेना चाहते हैं सैमसंग की तरफ से काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन, जिसमें आप अच्छी तरह से गेमिंग कर सकें और एक अच्छा कैमरा सेटअप वाला, तो आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। तो गाइस आपका जो 3rd नंबर का स्मार्टफोन है वो है Tecno Spark 7 Pro। तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन काफ़ी पसंद आने वाली है, मुझे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी डिज़ाइन लगी, तो आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको डिज़ाइन कैसी लगी। तो अब इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 6.6 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि IPLCD पैनल है, और इसके साथ इसमें मिल जाता है 180 Hz का टच सैम्पल रेट। तो यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रेफ्रेश रेट मिल जाता है, जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ हो जाता है। तो गाइस डिस्प्ले की क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी है, जो कि पंच होल कटआउट के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो अब इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि आपको लंबे समय तक आप इसी स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिल जाता है, जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा मिल जाता है। तो गाइस इसके बैक और फ्रंट कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पे। तो इमेज क्वालिटी है मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी, पिछले स्मार्टफोन से यहाँ पे आपको इमेज क्वालिटी काफ़ी पसंद आने वाली है। तो कुछ सैंपल वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो इस स्मार्टफोन में MediaTek का हेलो G80 वाला प्रोसेसर को यूज़ किया गया है, जो कि आपको एक एंट्री लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएगा। आप इसमें PUBG, फ्री फायर या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम को हाई ग्राफिक्स में इजीली रन कर सकते हैं। तो इसमें आपको डुअल सिम स्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है, और ये स्मार्टफोन Android V11 पर रन करता है। तो भी इसके रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आप मिलती है आपको 6GB रैम, 64GB का स्टोरेज, जिसे आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको रियर फिंगरप्रिंट मिल जाता है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलता है, 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं, तो अगर आपको चाहिए कि गेमिंग स्मार्टफोन जिसमें आपको अच्छा खासा कैमरा मिल जाए और टेक्नो का काफ़ी डिज़ाइन अच्छी मिल जाए,
तो आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन मिल जाता है। तो गाइस आपका जो सेकंड नंबर का स्मार्टफोन है वो है माइक्रोमैक्स इन वन। तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन काफ़ी अच्छी मिल जाती है और इन माइक्रोमैक्स की तरफ से काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन आपको देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन आपको मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि एक पंचोल कटआउट के साथ मिलती है। तो इसके साथ ही मिल जाता है आपको 2.5D कवर ग्लास। तो गाइस डिस्प्ले की क्वालिटी ओवरऑल यहाँ पे आपको काफ़ी मिल जाती है, जो कि फुल HD प्लस डिस्प्ले है। तो अभी इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिल जाता है, जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है। इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है और इसके फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे आपको इमेज क्वालिटी काफ़ी पसंद आने वाली है। इसके बैक और फ्रंट कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। तो इमेज क्वालिटी यहाँ पे आपको सेम देखने को मिल जाती है। अब इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी बैटरी मिल जाती है। इसमें प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो मीडियाटेक का हेलो G80 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। आपको पिछले स्मार्टफोन के मुकाबले ही इसमें आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। डुअल सिम स्लॉट का ऑप्शन मिलता है और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड V10 पर रन करता है। तो अभी इसके रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 4GB रैम 64GB का स्टोरेज मिलता है, जिसे आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको रियर फिंगरप्रिंट मिलता है और फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है, 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है। तो गाइस इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको 10,000 रुपये के अंडर मिल जाता है। अगर आपको चाहिए नॉन चाइनीज स्मार्टफोन क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, तो आप माइक्रोमैक्स इन वन के साथ जा सकते हैं, जो कि एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, जिसमें आपको कैमरा काफ़ी अच्छा मिलता है, गेमिंग प्रोसेसर मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको चाहिए 64 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि आपको 10,000 रुपये के अंडर मिल जाए, तो मैंने वीडियो आई बटन में दे दिया, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए आपके अगले स्मार्टफोन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस आपका जो पहले नंबर का स्मार्टफोन है वो है इन्फिनिक्स नोट 9, जो कि अभी रिसेंटली जून के महीने में लॉन्च हुआ है। तो गाइस इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, लेजेंड डिजाइन यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 6.95 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि एक पंचोल कटआउट के साथ मिलती है। 180Hz का टच सैम्पल रेट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे साथ ही साथ मिलता है आपको 90Hz का रेफ्रे रेट, जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ हो जाता है। तो गाइस डिस्प्ले की क्वालिटी ओवरऑल यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। तो अभी इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिल जाता है, जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे आपको इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है और इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा मिल जाता है। तो गाइस इसके बैक और फ्रंट कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पे। तो इमेज क्वालिटी यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो अभी इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आप स्मार्टफोन को लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है मीडियाटेक का हेलो G85 वाला प्रोसेसर, जो कि आपको एंट्री लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, जिसमें आप फ्री फायर, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम को इजीली हाई ग्राफिक्स में गेम को इजीली रन कर सकते हैं। और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड V11 पर रन करता है। तो अब इसके रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो 4GB रैम 64GB का स्टोरेज मिलता है, जिसे आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अभी इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको रियर फिंगरप्रिंट मिलता है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है और 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है। तो अभी इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं तो यह स्मार्टफोन आपको 11,000 रुपये के अंदर मिलता है। तो अगर आप इन्फिनिक्स की तरफ से एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, जिसमें आप अच्छी तरह से गेमिंग कर सकें और एक अच्छा कैमरा सेटअप ले सकें, तो आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। और हाँ, मैं बता दूं आपको, इसी स्मार्टफोन को फर्स्ट नंबर पे इसलिए रखा है, इस वीडियो में हमने कैमरे के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा, जो कि आपको पिछले सारे स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा मिलता है। तो आपको पिछले स्मार्टफोन से इमेज क्वालिटी यहाँ पे आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये थे 2021 के बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन, जो कि 10,000 रुपये के अंडर आते हैं।
तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।